फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। ये देख सकते हैं कितना डिलीशियस और मज़ेदार बना हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस यूनिक सी भुनी चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। इसके साथ ही मैंने लिया है 5 प्याज, और प्याज को हमने ज़्यादा नहीं काटना है, इसको बस 4 टुकड़े में करना है। और इसके सारे जो फूल हैं इसके हमने खोल लेना है बस इस तरह से। और टमाटर को भी हम 4 भाग में काट लेंगे। और इसी तरह से हमने लिए हैं कुछ मिर्ची, इसे भी हम 2 भाग में काट लेंगे। जैसे ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा चलेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस। बनाने के लिए हमने लिया है एक कढ़ाई, इसमें हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेजपत्ता और 2 हरी इलायची। जैसे ही मसाले का फ्लेवर हल्का सा ऑयल में आ जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को। प्याज को बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसके तुरंत बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची को। इसे भी हम सॉफ्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, और ढक देंगे और ढक कर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन कुटी हुई। फ्रेंड्स, इससे जो है अलग ही टेस्ट आता है, तो इस तरह से आप जरूरी भी ट्राई करें। अभी हम इसमें 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को भी हमने इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। और फिर इसके बाद तुरंत बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को, और इसे अच्छी तरह से भूनते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और नमक के साथ फिर इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे, और इसे ढककर करीब 7 से 8 मिनट तक हम बहुत ही अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया भुन गया है। तो बस इसी तरह से हमने इसे अच्छे से भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना जल्दी और कितना झटपट से तैयार हो गया हमारा चिकन भुना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सबको लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँ। मिलते हैं फिर एक और नई और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।